गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास फिफ्थ, सब्जेक्ट टीवीएस, चैप्टर नंबर 5, मैन एट वर्क। काम चल रहा है या फिर व्यक्ति जो लोग काम कर रहे हैं। लेट वी स्टार्ट अवर बुक रीडिंग। पेज नंबर 26 है बच्चों, स्टार्ट नाउ। आकृति गॉट अप अर्ली वन डे। आकृति गर्ल का नाम है, वो एक दिन सुबह जो है जल्दी खड़ी हो गई। शी लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, और उसने खिड़की से बाहर देखा। एंड वो सरप्राइज्ड टू सी सो मैनी पीपल एट वर्क ऑलरेडी, और वो देख के एकदम से क्या हुई, आश्चर्यचकित हो गई कि वहाँ पे जो है बहुत सारे लोग जो है पहले से ही काम कर रहे थे। द वेजिटेबल सेलर वॉज सेलिंग वेजिटेबल्स। जो वेजिटेबल सेलर है, मीन्स ग्रीन ग्रोसर बोलता है ना वेजिटेबल सेलर को, सब्जी बेचने वाला, वो क्या कर रहा था, वेजिटेबल्स बेच रहा था। द स्वीपर वॉज क्लीनिंग द स्ट्रीट। जो स्वीपर है वो स्ट्रीट को क्या कर रहा था, क्लीन कर रहा था, रोड को साफ कर रहा था। द गार्बेज कलेक्टर, द स्वीपर वॉज क्लीनिंग द स्ट्रीट। जो स्वीपर है वो क्या कर रहा था, रोड को साफ कर रहा था। द गार्बेज कलेक्टर वॉज एम्प्टिंग द बीन्स इन ए बिग कार्ट। और जो गार्बेज कलेक्टर जो है, जो कूड़ा इकट्ठा करते हैं, वो लोग क्या कर रहे थे, डिब्बों को खाली कर रहे थे, और जो कूड़ा है उसको किस में डाल रहे थे, ठेले में डाल रहे थे। द मिल्कमैन वॉज गोइंग डोर टू डोर विद हिज मिल्क कैंस। जो मिल्कमैन है वो क्या कर रहे थे, डोर टू डोर जाके अपने कैंस को ले जाके दूध उसमें से दे रहे थे। ऑल दीज एंड मैनी मोर पीपल वर्क टू अर्न ए लिविंग एंड टू मेक अवर लाइफ कम्फर्टेबल। ये सभी लोग जो भी कार्य करते हैं, ये क्या किस लिए करते हैं, धन कमाने के लिए और हमारे जीवन को आरामदायक बनाने के लिए या फिर सुविधापूर्ण बनाने के लिए। देयर इज अ डिविजन ऑफ लेबर एज वर्क इज डिवाइडेड इन अवर सोसाइटी फॉर ईच अदर कन्वेनियंस। और हमारे समाज के अंदर क्या किया गया है कि जो विभाग है, काम के जो विभाग है, उनको बांटा गया है सुविधा पूर्वक, या उनको जैसे कंफर्टेबल लगता है उसके अकॉर्डिंग उनको क्या किया गया है, सभी के कार्यों को अलग अलग बांटा गया है। इवन इन अर्लियर टाइम्स, यहाँ तक कि पहले के समय में, द सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू 4 वर्नाज। जो हमारी सोसाइटी थी वो 4 वर्नाज में, 4 वर्णों में विभाजित थी, बेसिस ऑफ डिविजन ऑफ वर्क है ना, 4 वर्नाज में, और उनके कार्यों के आधार पे उनको बांटा गया था। फर्स्ट है ब्राह्मण। ब्राह्मण जो होते हैं, दे वर द लर्न प्रेस्ट, वो क्या होते हैं, पंडित होते हैं, है ना। क्षत्रिय, दे वर द सोल्जर एंड वेरियर्स, वो सैनिक होते हैं और क्या होते हैं, योद्धा होते हैं, क्षत्रिय जो होते हैं। नेक्स्ट है आपका वैश्य, दे वर द ट्रेडमैन, ये क्या होते हैं, दुकानदार होते हैं। शूद्रास, दे वर द लॉली कंसिडर्ड पीपल, दीनहीन लोग होते हैं, मीन्स गरीब, बहुत ही पुअर लोग होते हैं। नेक्स्ट है आपका द शूद्रास वर डिस्क्रिमिनेटेड एज दे वर एंगेज्ड इन मैनुअल जॉब्स। जो शूद्र है उन लोगों में अंतर किया जाता है, क्योंकि वो क्या करते हैं, छोटे काम करते हैं और वो उस छोटे काम में ही व्यस्त रहते हैं। दे वर कैप्ट एट ए डिस्टेंस फ्रॉम द अदर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, और इनको बाकी समाज के जो लोग हैं उनसे इनको क्या रखा गया है, दूर रखा गया है ना,
क्योंकि ये लोग छोटा 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 मोटा काम करते हैं, तो इसलिए उनको क्या किया गया है, समाज से दूर रखा गया है. डू यू थिंक इट इज फेयर टू डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ द वर्क पीपल डू? क्या आप सोच सकते हो कि इन ये जब कार्य करते हैं तो इनमें अंतर क्यों रखा गया है? ऑल वर्कर्स प्रोवाइड अस विद एसेंशियल सर्विसेज. जो सभी वर्कर्स होते हैं हमें कौन सी जरूरी जो आवश्यकताओं की जो चीज़ें हैं, जरूरी सेवाएं जो हैं वो हमें प्रदान करते हैं. दैट वर्क अवर लाइफ्स कंफर्टेबल, वो हमारे जीवन को आरामदायक बनाते हैं. एंड वी ऑल आर इंटरडिपेंडेंट वन ऑन वन अनदर. और हम सभी लोग जो हैं इंटरडिपेंडेंट हैं, मीन्स एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं. हाउ विल पीपल रीच ऑफिस ऑन टाइम इफ द क्लोथ्स आर नॉट आयरन, है ना? कैसे जो है लोग ऑफ टाइम पे पहुँच जाएंगे अगर उन लोगों को कपड़ों की प्रेस की हुई नहीं मिलेगी तो समय पर. ऑन द वेजिटेबल सेलर डजंट प्रोवाइड अस विद वेजिटेबल्स टू बी टेकन इन द टिफिन. सुबह मॉर्निंग में आने वाला जो व्यक्ति है, जैसे उसको ऑफिस जाना है ना, अगर आयरन वाला है ना जो वो होता है, धोबी जो होता है, वो कपड़े नहीं धोएगा और उसको कपड़े आयरन नहीं करके देगा, और या फिर सब्जी बेचने वाला उसे सब्जी नहीं ला के देगा, तो वो क्या करेगा, टिफ़िन पैक करके ले जाएगा क्या? नहीं ना. तो क्या करते हैं ये सारे लोग, हमारी इनडायरेक्टली हमारे लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए मेहनत करते हैं, है ना, हमारी हेल्प भी करते हैं. सब्जी आएगी फिर तो आप टिफ़िन लेके जाओगे ना, खाली रोटियाँ किससे खाओगे? नहीं ना, चपाती से नहीं खा सकते ना खाली आप. ओके, नेक्स्ट है आपका, आवर लोकेलिटी वुड बी सो डर्टी. हमारी जो लोकेलिटी है, हमारी जो इलाका है वो क्या है, बहुत ज़्यादा डर्टी है, मीन्स गंदा है, स्टिंकिंग एंड अनहाइजेनिक. इफ़ द स्वीपर डिडंट स्वीप द स्ट्रीट, हमारे जो स्वीपर है घर के पास में, जैसे स्वीपर है अगर वो झाड़ू नहीं लगाएगा और वो उस कूड़े को नहीं हटाएगा और वो मतलब सारा जो गंदा कूड़ा है वो रोड पे पड़ा रहेगा, तो हमारा इलाका जो है वो क्या हो जाएगा, गंदा हो जाएगा ना, वो मीन्स इलाका बहुत ही ज़्यादा गंदा हो जाएगा. द गारबेज कलेक्टर डिडंट डिस्पोज ऑफ गारबेज ऑफ ए प्लेस फॉर अवे फ्रॉम आवर हाउस. अगर गारबेज कलेक्टर जो है कूड़ा इकट्ठा करने वाला, अगर कूड़े को हमारे घर से दूर नहीं लेके जा डालेगा, ले जाके डालेगा, तो फिर कूड़ा क्या होगा, हमारे घर के पास में ही रहेगा और बारिश वगैरह आएगी तो बहुत ही बुरा हाल हो जाता है ना. नेक्स्ट है, एवरी ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन इज रेस्पेक्टेबल. प्रत्येक जो ऑक्यूपेशन है और प्रोफेशन है वो क्या है, बहुत ही आदरणीय है. पीपल वर्क इन डिफरेंट कैपेसिटीज़, लोग जो काम करते हैं उनकी अलग अलग क्या होती हैं, कैपेसिटीज़ होती हैं टू अर्न मनी, पैसे कमाने की जो क्षमताएँ होती हैं वो अलग अलग होती है. नेक्स्ट, चेंज योर पेज, पेज नंबर 27. नेक्स्ट आता है आपका सोशल रिफॉर्मर्स, मीन्स समाज सुधारक, है ना, ये हम बच्चों कल स्टार्ट करेंगे, है ना. ओके, ये जो मैंने बुक रीडिंग करवाई है ना आपको, इसको अच्छे से रीड करना, पहले एक बार वीडियो देख के उसके बाद बुक को पढ़ना और उसकी हिंदी करना, है ना. ओके, थैंक यू बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हाफ चैप्टर करेंगे, है ना. थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे.